उसके समीप अच्छी वजह करता खतरा नहीं बिल्कुल और पूरी तरह से दबाव के साथ गेंद को निकालने के प्रयास से पुनः खतरे से बाहर होता हुआ। इस वक्त कोई नुकसान नहीं, कोई गलत नहीं, पुनः अपेक्षित कॉर्नर का मौका इस वक्त झारखंड एफसी। इसलिए खिलाड़ी मन तो लड़ाई नहीं करेंगे, आप अनुशासन निवेदन बनाची ना समय रे कुयन को नेल को ऐसे गियो गवंग को चनवक ना एंते नेन बीच रे जने में पुरुष बीच रे जब बड़ी टीम रे कुयन जो मुख्य अतिथि की तिवार ना की अकिन ते ते विशेष साथ ही साथ अध्यक्ष प्रकाश पुर्ति जी साथ ही युवक संघ रे सदस्य को एन साथ रे आबो मिस्टर जीतू बरजी ती सभी का विशेष निवेदन में नाची मार आबो बुढ़ातला आबो ने ते कुयन को जो फाइनल नो नो एक तिवार ना परिचय की दी थी अनो ऐसे सीएम को रासन नचने से नेलकन मौका बार बार कान मोचे निमिन मरम फील्ड भीतर रहे हैं ऐतिहासिक मैदान भीतर रहे जब एक विधायक सभी बताए थे जब परिचय दी है चिमिन रास का दाव अब तो सनिंग के तो मिलता ना भारे पर मिलता ना चिमिन संघर्ष करे थे लेन समय आपको लेन मुकाम तक बिटके थे बड़ा तलाक को आदर्श करना चाहूं कि आप बिल्कुल बिल्कुल अपने खिलाड़ियों को रेडी रखेंगे। हेलो, इस मैच के बाद 48 टीम का फाइनल मैच खेला जाएगा, आप दोनों टीम तैयार रहेंगे, एक पेनल्टी शूट आउट चल रहा है और जो ग्रुप सी से विजेता टीम अगला बसा आप तैयार रहेंगे, अलवन गाड़ी ये अपन तैयार था करना अपन फोर्थ तरह प्रिपेयर टाइटेन बन फाइनल इन टीम किन 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 अब ना अब मैच को ले लेता ना देखो धड़कन एफसी पेते सुट इनका ससन नील लो ससन जर्सी रे उडल किन तने ने किन किन ड्रैगन एफसी किन किन मिडो टाटा इति टीम धड़कन एफसी टीम और टाटा और तैबे से बीच रे मुकाबला होबा कना फाइनल इन लगे परिज के टीम विडो तो डिसाइड आउट हुआ है चला अपना टाइम ब्रेकर इंचना बना रहा है अबे तैयार था कन ओपन इस ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भारती गिर गिर दिसिंग है जो कि महिला यार भी अच्छा टीम है जो कि भाग की नहीं दिया लेन बीच रे फाइनल मुकाबला चलाओ तन गया बिल्कुल ले ले बिल्कुल मानते हैं कि धनेश्वर पर पश्चिमी सिंहभूम से अपना हरे के अनुशासन खेल का प्रदर्शन करती हुई ड्रैगन एफसी की टीम मंच की बाई चौपक पर भी दिशा पर धड़कन एफसी और बिल्कुल धड़कन एफसी के पास जमीनी की शॉट अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए काफी सुंदर लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए सन्नाटा हुआ देखना होगा मौका बना पाएगी या तो यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग के साथ चकमा देने के प्रयास कितनी समय निकाल करे हमारे बीच में मंचासीन हुए हैं और आपको तीनों जान से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बीच काफी सुंदर यहाँ पे अच्छी नजर करता हुआ थोड़ी सी यहाँ पे एक गति रणनीति को अपनाना चाहिए लेकिन अपने आप पर नियंत्रण करने में असफल पुनः धड़कन ने
कहते हैं जितने भी आप रिकॉर्ड वही बनाते हैं जिन्हें खेल से इश्क हो जाता है, रिकॉर्ड वही बनाते हैं जिन्हें खेल से इश्क हो जाता है, बाजीगर वही कहते हैं जो हार को विजीत में बदल देता है। देखना होगा फिर से धड़कन एफसी के पास में बिल्कुल छोटी सी पास के साथ अपना साथी खिलाड़ी को तलाशने के प्रयास से, लेकिन अपने ही चतुराई के साथ ड्रैगन एफसी भी कमजोर नहीं, पुनः छोटे छोटे गति के खिलाड़ी भी मौजूद रही है इस मैदान पे, ऐतिहासिक ग्राउंड पे। पुनः इस वक्त ड्रैगन एफसी किस्मत को रोकने में सफल, देखते हैं इस वक्त धड़कन एफसी पूरी तरह मुस्ताद है, एक दबाव के साथ बेहतरीन शोभा, अच्छा शोभा फल इस मैच का, एक मुकाम जो कि हासिल करना चाहिए थी इसको रोकने में सफल रही धड़कन एफसी, बिल्कुल अपना क्षेत्र से बाहर करता हुआ। कमेटी अगर है तो बिल्कुल इसको हटा दीजिए, गंदा गंदा बातें निकल रही है इसके मुंह से। ऐसे बड़ी रासरेखा जी जो कि अब मंच रे मंचा से नसर बोते जी भी साथ रे अतिथि गण को अलिंग पाते सुप्रे देती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस फुल पेनल्टी शूट आउट के जरिए शारना टाइगर एफसी की टीम ने बाले सगे देवगम टीम को पेनल्टी शूट आउट के जरिए पिछाड़ने में सफल रही। इस वक्त इस मैच के बाद महासंघर्ष कांटी की टक्कर पुनः पगला बासा के बीच में होगा, ध्यान देंगे बिल्कुल इस वक्त फाइनल मुकाबला महिला टीमों के बीच में, इस वक्त काफी जबरदस्त मुकाबले के साथ टेनिसर से एक मोमेंट है, क्या हास्य पर आएंगे तय करेंगे बिल्कुल इस वक्त धड़कन एफसी काफी दूरी से जो कि ऐसे ऐतिहासिक ग्राउंड में जिसकी भी कम धड़कन है इस धड़कन को यहाँ बांटने के लिए आए हैं जमशेदपुर क्षेत्र से। और ये देखते देखते मध्यांतर की घोषणा, हमारे इस क्लब के महा रंग लाने वाले तमाम अधिकारियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप अच्छे अनुभव के संचालन में रहे हैं स्पोर्टिंग क्लब कदमबुड़ा के ऐतिहासिक ग्राउंड का 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 48 टीमों के महा मुकाबले के साथ में आज खड़े उतरे। और इस बीच में हमारे बताओ तो आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री दीपक गुरुआ जी चाईबासा विधानसभा क्षेत्र विधायक है, बिल्कुल मध्यांतर के बाद यह मुकाबला चलता हुआ धड़कन एफसी बनाम ड्रैगन एफसी, बिल्कुल एक तरफ है जमशेदपुर एक तरफ है चाईबासा के बीच में, क्या धड़कन लेके आई है जमशेदपुर से और क्या ड्रैगन लेके आए हैं चाईबासा से। और इसी बीच में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऐतिहासिक ग्राउंड है यानी विश्वबड़ा के बहुत ही बड़ी बुद्धिजीवी बहुत ही दिग्गज हमारे संरक्षक श्री देवानंद फूर्ति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बीच में हमारे मंच में मंचासीन और इस मैच के पहले जो कि महा मुकाबला हुई थी सेमीफाइनल के रूप में शारना टाइगर एफसी बनाम वाले सगिन देवगम टीम कमर हाथों के बीच में हुई थी, जिसमें शारना टाइगर एफसी की टीम ने पेनल्टी शूट आउट के जरिए वाले सगिन को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पगला बासा के बीच में महा मुकाबला इस महिला फाइनल मैच के बाद होगी शारना टाइगर एफसी के बीच। तो बिल्कुल दोनों टीम कप्तान टीम मैनेजर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा धीरे धीरे हमारे समय का जो कि एक अंधेरी की ओर जाता हुआ नजर आते हुए तमाम खिलाड़ी बंधु से मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस पल का आप ध्यान में रखते हुए आप पुनः सही समय में आप इस फाइनल मुकाबला को सुसंपन्न करने में आप सहयोग करेंगे। शारना टाइगर एफसी बनाम पगला बासा
बिल्कुल इस वक्त धड़कन ने पूरी तरह से काफी यहाँ पे सुनील शेट्टी की तरह गेंद को शॉट लगाने के प्रयास है, लेकिन धड़कन का पिक्चर में हम काफी देखे हैं सुनील शेट्टी का क्रोध क्या होता है। पुनः धड़कन एफसी को एक सुनहरा मौका लेफ्ट आउट से क्या अपना एक उम्मीद दिल में क्या लेके चली है, क्या स्कोर की तलाश में बेहतर करेंगे और काफी यहाँ पे बेहतर करना होगा, इस अवसर का फल निभाने की पूरी प्रयास करना होगा जमशेदपुर यानी धड़कन एफसी कि अपना टीम के लिए बेहतर कर पाएंगे। और जमीनी शॉट के साथ तालमेल पास बेहतरीन शॉट डी बॉक्स के समीप अच्छी हेडर करता हुआ खतरा टला नहीं बिल्कुल और पूरी तरह से दबाव के साथ गेंद को निकालने के प्रयास पुनः खतरे से बाहर होता हुआ इस वक्त कोई नुकसान नहीं कोई गलत नहीं पुनः फिर से कॉर्नर का मौका इस वक्त धड़कन एफसी इसलिए खिलाड़ी बन तो लड़ाई नहीं करेंगे आप अनुशासन खिलाड़ी है महिला टीम है तो इसका परिचय आप अनुशासन में ही देंगे। आप अच्छे खिलाड़ी से आप प्रसिद्ध हैं तो बिल्कुल इसका परिचय जरूर दें। जो भी रेफरी का अंतिम निर्णय माना जाता है उसी का आप फल निभाएंगे और कोई भी दर्शक मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे रेफरी के सिवाय आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक कॉर्नर और इसी के साथ साथ हमारे टिकरा हाथों पंचायत के उप मुखिया श्री मिरन मूर्ति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा काफी कीमती समय निकाल करके इस बीच में मंच में मंचासीन हुए हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और इस वक्त दोनों ही टीम शून्य शून्य के बराबरी पर बिल्कुल लंबे शॉट के जरिए ड्रैगन एफसी बिल्कुल चयवासक टीम है देखना होगा क्या इसका धड़कन रोक पाएंगी ड्रैगन एफसी की टीम में दाहिने छोर से बेहतर आक्रमण करने के प्रयास लेकिन डिफेंडर मौजूद और पुनः शीताल मेल पुनः गलत का इशारा देखना होगा रैंडम शॉट के साथ हल्की उछाल पुनः गोलकीपर के कब्जे में बेहतर इस वक्त धड़कन एफसी जितना तारीफ किया जाएगा उतने कम धड़कन एफसी की गोलकीपर पुनः राइट फॉरवर्ड से अपने साथी खिलाड़ी को शैक्षिक क्लास बिल्कुल इस वक्त काफी लंबा पास देखना होगा क्या नियंत्रण कर पाएंगे गेंद को अपने कब्जे के साथ पुनः इसको अच्छे टेकल के साथ गेंद को आउटलाइन में अपना त्रोई करने के बाद पूरी तरह से जूझता हुआ देखना होगा इस पर काफी मैंने सिंगल स्पून ने धड़कन एफसी अरे परे चलिए इस मैच के बाद आपको खेला जाना है चलिए मैच समाप्ति पे खगार है पे खड़ी है समाप्ति के दहलीज पे तो बिल्कुल फाइनल मुकाबला के लिए आप चले आने की कष्ट करेंगे शारना टाइगर एफसी बनाम पागलाबासा चलिए बिना विलंब के आप रेफरी पंडाल के समक्ष लाइन अप होने की कष्ट करेंगे कांडे का दमाद बोकारो में कार्यरत पुलिस से विभाग से जो कि बड़ा बाबू चंपाई गोप जी को सुंदर पूर्ति के द्वारा बैच पहना करके उन्हें स्वागत करेंगे चलिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।